दलितों का इस्तेमाल तो कर ही रही है, क्योंकि सिर्फ धर्म विशेष के लिए क्यों, अगर दलित के हितैषी हैं। दलित पर जहां पर गलत हो रहा है तो वहां पर हिंदू संगठनों ने, जितने भी हमारे हिंदूवादी हैं, इनको आगे आना चाहिए। सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए तो इस तरीके से, हमारे बीच की एक लड़की वहां पर जल चढ़ाने गई थी तो उसको रोक दिया गया वहां पर जल चढ़ाने के लिए। तो उसने कहा मैं जल चढ़ाऊंगी तो मंदिर में चढ़ाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं चढ़ाऊंगी। तो उसे रोक दिया वहां के जो पंडित है, पुजारी है, और फिर वो लड़की वापस आ गई, उसने जल नहीं चढ़ाया। और कुछ लोग दलितों की वहां पर दुकानें हैं, तो उन दुकानों से अगर जल लेकर आएंगे, जो भी बाहर के यात्री आते हैं जल चढ़ाने, तो उनको जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। उनसे ये कहा जाता है कि तुम कोसी से भर के लाओ, तब आप वहां पर जल डालेंगे। रामनगर में वर्तमान में रह रही हूँ, तो रामनगर में जहाँ भी हम लोग कमरा देखने जाएंगे तो सबसे पहले हमें कास्ट पूछी जाती है। रामनगर और हल्द्वानी शहर की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि रामनगर में भी रिलेशन है, हल्द्वानी में भी है, तो लगातार ये चीजें हमें वर्तमान में भी भुगतनी पड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तरकाशी के पुरोला में लगातार सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। वहां सांप्रदायिक शक्तियां चैन और अमन चाहने वालों पर हावी है। वहां पुरोला में जो घटना हुई, दो लड़के और एक लड़की के भागने जाने अपहरण करने को लेकर, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और अभी वो दोनों जेल में है। सवाल यह है कि वह लड़की दलित है। दलित समाज को लेकर यह उग्रता, दलित समाज की लड़की की रक्षा के लिए, दलित समाज के अस्मिता की रक्षा के लिए इतना बड़ा बवाल, क्या दलित वजह है या इसकी वजह कुछ और है? इस बात को समझने के लिए हमारे साथ कौशल्या चुनियाल हैं। वह उत्तराखंड में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खुद दलित समाज से आती हैं और पिछले दो दशकों से लगातार दलितों से लेकर समाज के तमाम मसलों पर सड़क पर लगातार संघर्षों में शामिल हुई। उत्तरकाशी में जो दलित लड़की के साथ हुआ है, उस जो भी घटना उसके साथ हुई, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। लेकिन एक धर्म जाति के नाम पर जिस तरीके से इस घटना को उछाला जा रहा है और एक धर्म विशेष जाति को प्रताड़ित किया जा रहा है, दलित लड़की के आज हितैषी बनने की जो बात कर रहे हैं, उसी के साथ हमारे उत्तराखंड में अभी कुछ ही दिन पहले जगदीश हत्याकांड हुआ था, उस पर भी हमारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो आज दलित की हितैषी बन रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार जो मंदिर मस्जिद है, चलो मॉमडन का तो मस्जिद है, मस्जिद मजार वो अलग है, लेकिन जो हमारे हिंदुओं में भी अगर हमारे दलित जाति का व्यक्ति या कोई भी महिला अगर मंदिरों में जाती है तो उनका प्रवेश वर्जित है, तो उस समय ये दलितों के हितैषी कहाँ जाते हैं? जो भी है, सवर्ण जाति के जो भी है, मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेती हूँ। और अभी हमारे यही पर रामनगर क्षेत्र के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहां पर गड़जिया मंदिर है, बहुत सारे लोग बाहर से वहां पर आते हैं दर्शन के लिए। जी, तो पिछले 2-3 साल की घटना है, हमारे बीच की एक लड़की वहां पर जल चढ़ाने गई थी तो उसको रोक दिया गया वहां पर जल चढ़ाने के लिए। तो उसने कहा मैं जल चढ़ाऊंगी तो मंदिर में चढ़ाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं चढ़ाऊंगी। तो उसे रोक दिया वहां के जो पंडित है, पुजारी है, और फिर वो लड़की वापस आ गई, उसने जल नहीं चढ़ाया। और कुछ लोग दलितों की वहां पर दुकानें हैं, तो उन दुकानों से अगर जल लेकर आएंगे, जो भी बाहर के यात्री आते हैं जल चढ़ाने, तो उनको जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। उनसे ये कहा जाता है कि तुम कोसी से भर के लाओ, तब आप वहां पर जल डालेंगे। तो इस तरीके के आए दिन लगातार हम ये घटनाएं देख रहे हैं। ये और बहुत हाल ही में महत्वपूर्ण ही बात आप कह रही हैं कौशल्या जी। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम लोग कि रामनगर में जो गर्जिया देवी का मंदिर है जिम कार्बेट इलाके में, वहां अगर दलितों की दुकानों से जल लेकर श्रद्धालु देवी के मंदिर जाते हैं तो पुजारी या पंडित उनके जल को नहीं लेता है। और उससे पहले आपने ये भी बताया कि एक दलित लड़की पूजा करने गई तो उसको घुसने नहीं दिया गया। ये जल न लेने के कारण में क्या रहता है? जल तो जमीन से आया है, प्रकृति का है, वह तो दलित ने खुद नहीं बनाया है। दलित ने खुद नहीं बनाया, लेकिन जो मानसिकता है ना, सवर्ण मानसिकता यही है, जो हमारे समाज में ये मानसिकता है कि वो दलित है, लड़की दलित है, महिला दलित है, लड़की दलित है, और दलितों के हाथ से जल नहीं चढ़ेगा मंदिर में, ये जो मानसिकता है समाज में। और साथ ही मैं रामनगर में वर्तमान में रह रही हूँ, तो रामनगर में जहाँ भी हम लोग कमरा देखने जाएंगे तो सबसे पहले हमें कास्ट पूछी जाती है। रामनगर और हल्द्वानी शहर की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि रामनगर में भी रिलेशन है, हल्द्वानी में भी है,
तो लगातार ये चीजें हमें वर्तमान में भी भुगतनी पड़ रही है कि किराया ही नहीं मिलता है। अगर हम बोलेंगे एससी है तो हमें किराए के कमरा नहीं मिलेगा, ये ये आज की दिक्कतें हमें हालत है लगातार झेलनी, जी। ये वर्तमान हालत है। तो और अब जब साथ ही आप अभी उत्तरकाशी एक में देखती हैं कि एक दलित लड़की के नाम पर इतना बड़ा बवाल कट रहा है, तो आपके मन में क्या भावना आती है? भावना यही आ रही है, जब अगर आप दलित हितैषी हैं, दलित हितैषी की बात अगर आप करते हैं, तो आप उस समय जब जगदीश हत्याकांड हुआ, जब इतनी घटनाएं दलितों के साथ हो रही, उस समय आगे क्यों नहीं आते? चाहे वो विधायक है, मंत्री है, सांसद है या हमारी सरकार है, उस समय वो ठोस कदम क्यों नहीं उठाते हैं? तो अभी आज जो धर्म के नाम पर इस तरीके का बवाल मचाए हुए हैं, तो फिर ये हितैषी किसके हैं? यही तो समझ में नहीं आ रहा। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या दलित हिंदू में नहीं आते हैं? क्या दलित उस समय दलित कहाँ जाते हैं? कहीं भी किसी भी मंदिर की बात करें या हम क्यों कोई सार्वजनिक स्थलों की बात करें, अगर कोई भी स्कूल या जैसे अभी हमारा चंपावत का मामला है, भोजन माता का इतना बड़ा हुआ, तो लास्ट में क्या हुआ? तो यही आए दिन हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर जितने भी हमारे पदों में बैठे हुए लोग हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, तो इन मुद्दों पर बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहते हैं। सिर्फ हिंदू मॉमडन के लिए आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम की उसमें वो जातिवाद और धर्म के नाम पर इस तरीके से आगे आते हैं। जिस समय दलितों के साथ ये घटनाएं हो रही होती है, दलित को प्रताड़ित किया जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को पानी पीने में और राजस्थान वहां की घटना थी, उसे मार दिया था। इसी तरीके से यहाँ पर भी आए दिन घटनाएं हो रही है। अभी हमारे सल्ट में हुआ था, एक तो बहुत पहले हुआ था कफुल्टा कांड, तब तो हम छोटे बच्चे रहे होंगे, वहां पर कफुल्टा कांड हुआ था। तो अभी एक साल पहले की बात है, पिछले साल मई में एक बारात जा रही थी दलित की, घोड़े पर चढ़ा था दलित, तो उसको घोड़े से उतार दिया गया। ये भी अल्मोड़ा जिले की घटना है, एक तड़ियाल गाँव है, थल का थल तड़ियाल, तो वहां पर इस तरीके की घटना हुई। ये तो नहीं लेटेस्ट तो है, अभी एक साल अब हुआ। जब उत्तरकाशी में हिंदू संगठन या इस तरह के लोग एक दलित बच्ची के साथ अपराध जो हुआ, जो भगाने की कोशिश हो रही थी कथित तौर पर, तो उसके लिए अगर दलितों के साथ खड़े हैं तो ये तो अच्छी बात है कि भाई अब हिंदू सभी हिंदुओं के साथ, दलितों के साथ हिंदुओं और हिंदू के साथ दलित खड़े हो रहे हैं जी। इस तरीके की सेना अगर खड़े हो रहे, अच्छी बात है, लेकिन एक धर्म विशेष के नाम पर आगे आ रहे हैं, ये चीज गलत है। अगर वो दलितों के हितैषी हैं, फिर हर कोई घटना में उन्होंने आगे आना चाहिए। जैसे जगदीश हत्याकांड हुआ, इतना लंबा आंदोलन चला, हमारा जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है धामी, वो यहाँ पर आए भी थे 5 सितंबर को वहां सल्ट में, लेकिन एक शब्द उन्होंने दलित जो हमारे जगदीश हत्याकांड था, दलित जाति का था, लेकिन उस पे एक शब्द नहीं बोला। हमारे सांसद है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। हमारे विधायक है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो उस समय दलित हितैषी कहाँ गए थे? हमारा कहने का मतलब ये है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हो और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में शामिल हो। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। भारतीय संविधान है, अनुच्छेद 19 में ये लिखा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जहां पर रह रहा है, जहां पे रह के वो काम करना चाहता है, उसे पूरा अधिकार है। लेकिन जो भी हमारे कानून ज्ञाता है या हमारे पुलिस है, प्रशासन है, तो इनको पता नहीं है क्या? अनुच्छेद 19 में ये अधिकार हमें दिया गया है, उस अधिकार का भी ये उल्लंघन कर रहे हैं, उनको उस क्षेत्र से उनको भगाया जा रहा है। ये बात पिछले साल एक ऐसी कुछ बात आई थी बेताल घाट की, ये मैं बेताल घाट मायका है तो थोड़ा मुझे पता है वहां के बारे में। एक जो मॉर्मन था, वो बाल वाल काटने का काम करता था, उस एक लड़की के साथ उसका अफेयर होगा, जो भी वो लड़की उसके साथ चली गई थी, तो उस समय इतना हिंदू मॉर्मन वहां पर हो गया था, सारे जितने भी मॉर्मन थे वहां पर सारे अपनी दुकानें खाली करके चले गए थे। तो ये चीज गलत है। अगर हिंदू अगर दलित हितैषी की बात करते हैं, जहां पर दलित लड़की के साथ, दलित महिला के साथ, दलित व्यक्ति के साथ, किसी के साथ भी अत्याचार हुआ है, तो हिंदू संगठन उस समय कहाँ जाते हैं? उस समय भी हिंदू संगठन को आगे आना चाहिए, सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए नहीं। क्या आपको लगता है कि दलितों, दलित लड़की के बहाने कट्टरपंथी ताकतें दलितों का एक तरह से इस्तेमाल कर रही हैं और उनको
अपना अपने में मिलाने की कोशिश कर रही है इसी बहाने। ये तो बिल्कुल दलितों का इस्तेमाल तो कर ही रही है, क्योंकि सिर्फ धर्म विशेष के लिए क्यों, अगर दलित के हितैषी है, दलित पर जहां पर गलत हो रहा है तो वहां पर हिंदू संगठनों ने, जितने भी हमारे हिंदूवादी हैं, इनको आगे आना चाहिए, सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए तो इस तरीके से दलित जाति का मतलब उपयोग नहीं आपका ये करना। कहना है कि मुसलमान अगर दलित के साथ अपराध करे तो अपराध कहती हैं ये ताकतें, और इन्हीं के घरों के लोग जब दलितों के साथ अपराध कहते हैं तो उसको समाज का चलन कह के टाल दें। टाल देती है। अभी हमारे सामने है उदाहरण, हमारे जो अंकिता हत्याकांड हुआ था, तो जी अंकिता हत्याकांड में क्या हुआ, क्योंकि वो इन्हीं इन्हीं के जो समझ बीजेपी से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, इन्हीं के साथ का है, तो उसको इन्होंने दबा दिया। फास्ट जी ट्रैक कोर्ट में जांच के लिए बोला जगदीश हत्याकांड के लिए, उसमें भी नहीं किया, तो अंकिता हत्याकांड का जो मसला है इसको भी दबा दिया गया। तो इस तरीके से ये अपने, जब इनके पार्टी से जुड़ा व्यक्ति होगा, वो किसी भी उसका होगा, तो उसको तो ये बचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर तो हम मानेंगे ना कि दलित हितैषी भाई, है, तो फिर अंकिता कहाँ हत्याकांड दलितों में के साथ। कौशल्या जी देखें तो अपराध बड़ा हुआ, उस लड़की की जिंदगी चली गई, तब भी तो हाँ भाजपा जी नेता को भगाने का कोई फरमान किसी संगठन ने नहीं दिया, न उसे खदेड़ा गया, अभी हाँ भी वो जी उत्तराखंड में ही रहता है। अभी भी उत्तराखंड में ही है। जी जनज्वार, जनता की मीडिया।